फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज हम बताने वाले हैं कि एक साल बाद जो ये इन्वर्टर एसी है, ये क्या कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इससे इन्वर्टर को लेके। तो एक साल इस एसी को हो चुका है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं और क्या क्या इसमें रहा है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो एसी खरीदोगे तो आप मेरा सजेशन है आपको कि आप हमेशा ऑफलाइन ही, मतलब लोकल मार्केट से ही एसी परचेज़ करें। तो वहाँ से एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी जो सर्विसिंग है, जो मतलब सपोर्ट है, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं। तो जो शॉप वाले होते हैं, जो डीलर होते हैं, तो उनकी ज़्यादा मानते हैं, जो एसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एसी लगाने आते हैं, तो उनकी ज़्यादा चलती है, मतलब तो सपोर्ट करते हैं वो एक तरह से आपको। तो आप हमेशा लोकल मार्केट से ही कोशिश करें, और वैसे भी लोकल मार्केट से आप परचेज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता ही मिलेगा एसी। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हुई। मेरे जो पर्सनल रिव्यू है ये इस एसी का, एक साल में क्या क्या इसमें दिक्कतें रहीं। तो सबसे पहली दिक्कत थी इसमें कि जो इंस्टॉलेशन हुई थी वो ढंग से नहीं हुई थी इसकी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे मेरा ये रूम है, तो इस दीवार के पीछे भी दीवार है और इस दीवार के पीछे भी दीवार है, ऊपर भी हमारे रूम है और इस दीवार के उस साइड भी दीवार है। तो मतलब ये कवर हो चुका है हमारा रूम बिल्कुल। और इसके पीछे जो ये एसी लगा हुआ है, इसके ठीक यहाँ पे पीछे हमारा बाथरूम है। जो वाटर ड्रेन होता है इसके पीछे से सीधा वो बाथरूम में ही गिरता है। तो ये एकदम परफेक्ट जगह लगी मुझे एसी की। तो अगर मैं यहाँ पे लगवाता एसी यहाँ पे, तो हवा तो वैसे ठीक आती, लेकिन इतना मतलब फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे पाइप लेके जानी पड़ती और यहाँ पे होल करना पड़ता। तो इस वजह से मैंने एसी यहीं पे लगाया। और जो इसके पीछे जो है वो हमारा बाथरूम है, तो जितना ही पानी ड्रेन होता है एसी में से वो सीधा हमारा पीछे गिरता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही आई कि एसी कहाँ लगवाएं हम, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसी तरीके से आपने डिसाइड करना है कि एसी आपने कहाँ लगवाना है। और अब बात करते हैं कि एसी इंस्टॉलेशन की। तो एसी इंस्टॉलेशन में क्या हुआ कि जो एसी लगाने वाले आए, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमने जो वो है आउटडोर यूनिट है वो बिल्कुल ही जो हमारा बाथरूम है इसके पीछे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होल्डर लगे हुए हैं, स्टैंड लगा हुआ है एसी का, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एसी लगवाया था। तो जो हमारी ये जो पाइप आ रही है एसी की, तो यहीं पे ऐसे घुमा के और यहीं पे हमारा एसी लगा हुआ था यहाँ पे। तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एसी में, तो बिल्कुल मस्त एसी चलता था। तब फिर क्या हुआ कि जो यहाँ पे हम रहते हैं, जैसे यहाँ पे तो पूरा एकदम गर्म हो जाता था यहाँ पे एनवायरनमेंट। तो इस वजह से फिर हमने जो एसी यहाँ से उतरवा कर इसको वहाँ लगवा दिया है। इसका अलग से स्टैंड बनवाया हमने एसी का, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हवा आती थी इस तरीके से, तो पूरा गर्म हो जाता था हमारा यहाँ पे अंदर का। तो इस वजह से हमने जो एसी है, आउटडोर यूनिट है, वो हमने यहाँ पे लगवानी अच्छी समझी। तो जैसे ही हमने आउटडोर यूनिट यहाँ पे लगाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से पाइप आ रही है और यहाँ से थोड़ी बेंट हो रखी है पाइप, वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ से जो देख रहे हैं आप, जो मतलब ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, कवर दिख रही होगी, तो वहाँ से जो एसी की पाइप है वो बिल्कुल ही ऐसे बेंट कर दी थी। उसमें से मतलब जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट का, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। तो और इस वजह से जो एसी की कूलिंग है वो कम हो गई थी। तो फिर मैंने चेक किया, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है बेंट, पहले मैंने चेक किया कि या क्या, क्योंकि यहाँ से मुड़ी हुई है पाइप, और मैंने फिर यहाँ से भी चेक किया था। ऐसे हाथ लगा के पता चल जाता है आपको, इसको ऐसे दबाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि कितना बेंट है, कितना उसका फ्लो है। तो एक बार मैंने यहाँ से भी उतरवाया था कवर इसका, और फिर मैंने वहाँ से जब उतरवाया कवर, तो वहाँ पे बिल्कुल पाइप ऐसे बेंट कर रखी थी। तो पाइप बिल्कुल वहाँ पे ऐसे बेंट कर रखी थी। तो एक दिक्कत वो आई थी हमारे एसी में। तो सबसे पहली दिक्कत तो यही थी। तो आप भी अगर अपने एसी को इंस्टॉल करवाएं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये बैक साइड में इसके में आ गया हूँ,
यहाँ पे हमारा स्टेबलाइजर लगा हुआ है। स्टेबलाइजर आप जरूर लगवाएं, क्योंकि जो हमारे एसी होते हैं वो एक जनरल वोल्टेज रेंज के अंदर काम करते हैं। बाय चांस उस रेंज के बाहर या फिर बिल्कुल कम वोल्टेज आ जाती है तो आपकी जो एसी की मदरबोर्ड है खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आप स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। ये मैंने ब्लू बर्ड का स्टेबलाइजर यूज़ किया हुआ है, कॉपर वाउंड है। आप जो है एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम बाउंड बिल्कुल यूज ना करें, कॉपर बाउंड यूज करें। और यहाँ पे देख सकते हैं वाटर ड्रेन हो रहा है हमारे एसी में से, ये देख सकते हैं इसके ठीक उस तरफ हमारा एसी लगा हुआ है और जो पानी हमारा बाथरूम में नीचे आता है। तो इस तरीके से आपने अपना हो जितना भी एसी है वो सेटअप करवाना है। और दूसरी दिक्कत मेरे को इसमें ये लगी कि इसकी जो फ़ैन की स्पीड है, अभी मैंने इसको हाई स्पीड में कर रखा है इसका फ़ैन, और फिर भी ये थोड़ा कम स्पीड में चल रहा है। और कई बार क्या होता है कि एकदम हाई हो जाती है इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली, तो मुझे ये इस एसी में प्रॉब्लम लगी क्योंकि इसकी जो एसी की फ़ैन स्पीड है वो वेरिएबल है, मतलब कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। और मैंने ऑटोमेटिक भी नहीं कर रखी इसकी फ़ैन स्पीड, तो इसकी कभी कभी तो बिल्कुल कम हो जाती है फ़ैन स्पीड और कभी कभी एकदम ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें ये दिक्कत भी एक आई है, पर इतना मुझे खास अफेक्ट नहीं पड़ा इस चीज़ का कि फ़ैन स्पीड ज़्यादा है या कम है। पर मैक्सिमम पे करता हूँ फ़ैन स्पीड तो ठंडा हो जाता है रूम हमारा, तो ये इसमें एक दिक्कत आई थी। और अगली दिक्कत मुझे आई है इसके एलईडी इंडिकेटर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लिखा हुआ, 40% लिखा हुआ है, तो ये एनर्जी सेविंग मोड पे इस टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि 40 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये हमारा यहाँ पे 25 दिखाने लग जाता है, क्योंकि मैं 25 पे चला रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 25 आने लग गया है। कुछ दिनों पहले से ही ये प्रॉब्लम आई है। इसके जो सॉफ्टवेयर है, इंटरनल सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ ना कुछ कोई एरर वेरर आया है, कोई बग आया है सॉफ्टवेयर में, तो इसमें ये दिक्कत एक आई है कि यहाँ पे 25 हो जाता है। तो कई बार मैं इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके सेट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि 10 मिनट के बाद यहाँ पे 25 आता है कि नहीं, तो फिर यहाँ पे कई बार जो है नहीं आता है, 40 का 40 रहता है। तो अभी ये 40 का 40 हुआ हुआ है, तो ये मतलब ठीक हो गया अभी। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे 25 भी आ जाता है, तो इसमें एक ये एलईडी इंडिकेटर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो पैनल लगा हुआ है इसके पीछे, तो पता नहीं उसी इसके अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये भी एक दिक्कत आई है मुझे इस एसी में। और जब आप 40% पे इसको सेट करते हैं तो जो कूलिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये कन्वर्टिबल एसी है, इसको आप 1 टन के एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फ़िलहाल आपका एक मान के चलिए 1 टन के एसी के बराबर आपकी बिजली की खपत हो रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंट्रोल फंक्शन यूज़ किया है मैंने। 40% का मतलब इसमें ये है कि 40% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 60% एनर्जी हमारी यहाँ पे सेव हो रही है। 60 नहीं, अगर एक्चुअल में बात करें तो लगभग 57% यहाँ पे एनर्जी हमारी सेव हो रही है। एलजी का यही दावा है कि 40% अगर सेट करेंगे तो 57% आपकी एनर्जी सेव होने वाली है इस एसी में। और अगली बात करते हैं इसकी जो कूलिंग है, वो कूलिंग काफ़ी अच्छी है। आप स्टार्टिंग में इसका हिमालय फंक्शन यूज़ करें और बाद में आप अपना एनर्जी कंट्रोल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो अचीव हो जाता है 25 डिग्री तक, तो आप इसमें ये जो एनर्जी कंट्रोल फंक्शन है इसको आप यूज़ कीजिए, और ये आपकी बिजली काफ़ी बचाने वाला है। मेरे बिजली का बिल बिल्कुल ही कम आता है और मैं इसको लगभग आपको 22 घंटे कम से कम मैं इसको दिन में चला ही रखता हूँ, हमेशा चलता ही रहता है ये। और इस एसी का फ़ायदा भी ये होता है कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक इसको रन करें। ऐसा नहीं कि आप बार बंद कर रहे हैं 10 मिनट बाद फिर चला रहे हैं, 2 घंटे बाद बंद कर रहे हैं फिर चला रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है रूम का वो घटेगा बढ़ेगा और ये दोबारा ठंडा करना पड़ेगा इसको रूम, और तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इस वजह से मैं इसको कॉन्टिन्यूसली रन करता रहता हूं काफी लंबे टाइम तक, और जिससे जो है हमारा कंप्रेसर पे एकदम लोड नहीं आता, कंप्रेसर भी धीरे धीरे चलता रहता है। और दिन में 2 या 3 घंटे मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमारे कंप्रेसर को भी थोड़ी ठंडक मिल जाए। तो इस वजह से मैं इसको 20 घंटे या 21 घंटे या 22 घंटे दिन में यूज़ करता हूँ। और इसमें एक हिमालय कूल फंक्शन है, उसमें बिल्कुल ही एनर्जी ज़रूर कंज्यूम करता है, पर आप हिमालय कूल फंक्शन यूज़ करें, वो जल्दी से रूम ठंडा कर देता है और बिजली भी खपत ज़्यादा होती है, पर वो उस बिजली से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता जितनी आप इसको
एनर्जी कंट्रोल फंक्शन में यूज़ करके आप अपना रूम ठंडा करेंगे, उससे कम ही बिजली कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये जो 40% है ये एनर्जी कंट्रोल फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो ये धीरे धीरे ठंडा करेगा रूम, तो वो बिजली कंज्यूम जो इतनी होगी वो उससे ज़्यादा ही होगी हिमालय कूल फंक्शन से। तो आप हिमालय कूल फंक्शन यूज़ करें और फिर आप इसमें एनर्जी कंट्रोल फंक्शन यूज़ करें। और अगली दिक्कत इसमें ये आई थी, इसके साथ एक 3M का एक फ़िल्टर आया था, तो वो फ़िल्टर मुझे पता नहीं था वो फ़िल्टर है क्या। ये देखिए यहाँ पे मैंने एनर्जी कंट्रोल फंक्शन यूज़ किया था और यहाँ पे 25 हो चुका है, देखिए अभी भी वही दिक्कत आ गई है, यहाँ पे 40% जो एनर्जी कंट्रोल फंक्शन मैंने यूज़ किया था और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 25 हो चुका है। अब मुझे पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, कोई सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत होगी, तो देखते हैं, अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़े दिन पहले से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपके भी ये प्रॉब्लम आती है तो अगर आपके पास सॉल्यूशन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मुझे इसका सॉल्यूशन पता करके आपको बताना पड़ेगा, तो ये भी इसमें एक दिक्कत है। और जैसा कि मैं पीछे कह रहा था कि 3M का एक फ़िल्टर आता है, छोटा सा फ़िल्टर, वो इसमें लगाया नहीं गया था ऊपर, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था एसी के बॉक्स में। मैं भी सोचता रहता ये क्या है क्या है क्या है, फिर मैंने देखा कि इसके LG की वेबसाइट पे तो 3M का फ़िल्टर वहाँ पे मेंशन था, तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया कि ये कहाँ डलता है, तो वहाँ पे एक स्लॉट था 3M के फ़िल्टर का, तो मैंने फाड़ के उसको वहाँ पे लगा दिया था 3M के फ़िल्टर को। तो अगर आपके भी सपोर्ट करता है 3M का फ़िल्टर, तो इसके ऊपर एक वीडियो है मैंने बना रखी है कि कैसे साफ़ करना है, कैसे लगाना है 3M का फ़िल्टर, तो इसके जो ऊपर का फ़िल्टर होता है डस्ट फिल्टर, उसके ठीक नीचे लगता है 3M का फ़िल्टर, तो वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके AC के मॉडल में वो है तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे, अगर आपके AC के मॉडल में वो है ही नहीं 3M का फ़िल्टर, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आपका ये AC है ये आउटडोर यूनिट के साथ लेवल में हो, जैसे यहाँ पे लगा हुआ मेरा इंडोर AC और इसके बिल्कुल लेवल में है हमारा आउटडोर AC, थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो इतना चल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लेवल पे करें इंडोर को और आउटडोर को, ताकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उस पर ग्रेविटी का फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जो प्रेशर है वो ग्रेविटी के साथ, जो हमारा एल्टीट्यूड होती है उसके साथ साथ हमारा प्रेशर कम हो जाता है, गैस हो या फिर लिक्विड हो कुछ भी हो, तो हमारा प्रेशर का जो अफेक्ट है वो हमारे हाइट से पड़ता है, तो हमारी जो प्रेशर है वो, जैसे कि हम पानी चढ़ाते हैं ऊपर टंकी में, तो हमारा जो प्रेशर है वो ऊपर जाके कम हो जाता है थोड़ा सा, और हमारा जो मोटर होती है उस पर दबाव पड़ जाता है, ठीक है ऐसा ही काम इसमें होता है, जो कंप्रेसर है वो मोटर का काम करता है और जो गैस है वो पानी का काम करती है, तो इसमें से ऐसे फ्लो करता रहता है सब कुछ, जो हमारी रेफ्रिजरेंट है फ्लो करती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि इसको जो है इंडोर को और आउटडोर को एक लेवल में रख के रखें, ऐसा नहीं कि आउटडोर को आप 2 मंजिल ऊपर इंस्टॉल करवा रहे हैं, इंडोर आपका 2 मंजिल नीचे है, तो उसमें काम तो ये ज़रूर करेगा पर इसकी एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी इसमें, तो कोशिश करें कि आप इसको लेवल में ही रखें। और लेवल में रखने के बाद आपकी जो डिस्टेंस है वो मतलब जितनी कम हो उतनी बेटर है, पहले तो जैसे कि इतनी डिस्टेंस है नहीं, जैसे मेरा इंडोर यहाँ पे लगा हुआ है और आउटडोर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हो सके तो बिल्कुल कम रखें, जितनी हो सके उतनी कम रखें। और मेरे ख्याल से इस AC में अभी तक मुझे यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, और वैसे कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है और एकदम अच्छा रूम ठंडा किया हुआ है इसने। तो इस रिव्यू में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस AC के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।